नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, सारा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मेहताब। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दो दिन कबल कांग्रेस पार्टी के कायदीन जनाब फिरोज खान ने बुरखे को लेकर जो तनकीद की थी, मौजूदा हालात में गुलाम मुस्तफा जीएमसी कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सरफराज ने बुरखे के ऊपर तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक खान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूं। आपके दरमियान में आने का एक मकसद ये है कि कल जो लंगा नाच खेला गया है बुरखे को लेकर गांधी भवन में, जो कांग्रेस के कायद फिरोज खान साहब ने जो बुरखे के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, मैं उसी के ताल्लुक़ से आपके दरमियान में कुछ बात करना चाह रहा था। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरा रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं मोहम्मद फिरोज खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर मंजर आम पे आए आप, आके फिर एक मरतबा करोड़ हा ख्वातीन के सामने आप माजरत खाई करें। आप जो है मिल्लत इस्लामिया का एक अहम असासा होता है बुरखा। बुरखा जो है किसी के बाप की जागीर नहीं होती, बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं होती, मिल्लत इस्लामिया की ख्वातीन की पहचान का नाम है बुरखा। आप जो है बुरखे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं फिरोज खान साहब, ये यकीन मानो आपके ऊपर ये बुरखा बहुत भारी पड़ने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आप ये चाह रहे हैं कि जो है बोकसिंग ओट्स, एक एक लेडी बुरखा पहन के 10-10 डालती, ये सब बातें होंगे। आप बुरखे को पर्सनल तौर पर बुरखे के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इस वजह से कि इस्लाम में इम्प्लीमेंटेड अमल है बुरखा पहनना। प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है कि एक उम्र के बाद जो बच्ची बड़ी हो जाती है वो बच्ची को जो है पर्दे में रखा जाए। पर्दे का मतलब जानते हैं आप? पर्दे का मतलब ही बुरखा है। आप जो है बुरखे के ऊपर अगर क्रिटिसाइज करेंगे फिरोज खान साहब, यकीनन इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको देना पड़ेगा। आप जो है बुरखे के ऊपर क्रिटिसाइज मत करिए। 200 रुपए नहीं, 2 करोड़ रुपए में बुरखा बिकने वाला नहीं है। 2 करोड़ रुपए में बुरखा बिकने वाला नहीं है। आप ये गलत अल्फाजा मत करिए। हजार यानी कि 10-10 वोटा डाल रहे हैं। अगर आपके पास दम है, पावर है, तो जाइए बोकसिंग रुकाइए, आप पोलिंग बूथ में जाइए, आप जाके पोलिंग बूथ में वोट्स रुकाइए। लेकिन ये क्रिटिसाइज बुरखे के ऊपर यकीनन गुलामाने मुस्तफा कमेटी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मैं गुलामाने मुस्तफा कमेटी का सदर सरफराज खान इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं कि बुरखे के ताल्लुक से बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं होता। बुरखा एक मिल्लत इस्लामिया का अहम असासा है। बुरखा हमारी शान है, बुरखा हमारी पहचान है। हमारे खवातीन जब घर से निकलते हैं तो गैर मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कि देखिए ये मुस्लिम औरत जा रही, क्योंकि इसके आंख पे बुरखा है। बोलिए, आप बुरखे के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप फौरी तौर पर मंजर आम पे आके माजिरत खाई फिर एक मरतबा करें। मैं जो है पुरजोश मुतालिबा करता हूं तमाम खवातीन से कि सबर और तहम्मुल के साथ अपने अपने जज्बात को कायम रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।